नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचर्स अकेडमी पे। हम लोग एक बार फिर से लाए हैं करंट अफेयर की, ये अप्रैल महीने की पहली सीरीज है और इसमें जो है हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे जो करंट अफेयर अप्रैल से आ सकते हैं। तो आप लोग को इसकी PDF मिल जाएगी। जनरली लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि सर PDF नहीं मिल रही, PDF रेडी है बट अभी डाला नहीं जा रहा। जैसे ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी सबकी PDF आपको भेज दी जाएगी, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक द्वारा वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रमणिका गुप्ता जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है वो? तो आप लोग देखिए, आपके पास ऑप्शन है, पहला साहित्य से हैं, दूसरा है संगीत से हैं, तीसरा वाद्य यंत्र से हैं और चौथा मानवाधिकार से हैं। तो पहला जो ऑप्शन है ये पहला यानी साहित्य से, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये रमणिका गुप्ता जो हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो साहित्य क्षेत्र से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि पूरे विश्व में हाल ही में अर्थ आवर मनाया गया है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, अर्थ आवर, ठीक है, नोट करिएगा, अर्थ आवर मनाया गया है हाल ही में पूरे विश्व में। तो इसका मतलब क्या है, अर्थ आवर के दिन जो है लाइट जो है कुछ घंटों के लिए, एक या दो घंटे के लिए जो है बंद कर दी जाती है पूरे वर्ल्ड की लाइट। वो टाइम फिक्स होता है पूरे वर्ल्ड का, तो उस दिन जो है लाइट बिजली की जो है बचत की जाती है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए और अपने पृथ्वी को जो है बचाने के लिए उस दिन बिजली जो है बंद कर दी जाती है। तो अर्थ आवर के दिन ऑफिशियली होता है, UN वगैरह जो है डिसाइड करते हैं इसके लिए कितने से एक बजे से कितने घंटे तक जो है आपकी बिजली जो है बंद कर की जाएगी और वो पूरे देश में जो है लागू होता है वो। तो अर्थ आवर जो है मनाया गया है, तो इसके जो है 3 कथन दिए गए, इसे विचार करिए और बताइए कौन सा कथन जो है सत्य है। तो पहला आपके पास कथन जो है जलवायु परिवर्तन पर कार्यवाही करने के उद्देश्य से मनाया गया है। दूसरा है प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को अर्थ आवर मनाया जाता है। तीसरा है अर्थ आवर को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका देखिए, पहला आपका जो ऑप्शन है वो केवल एक है, दूसरा ऑप्शन है केवल दो और तीसरा है एक और तीन और चौथा एक दो और तीन। तो इसमें देखिए आपका जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन मतलब तीनों कथन जो है वो बिल्कुल सही है। जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को अर्थ आवर प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकता है कि प्रत्येक वर्ष मार्च महीने में के अंतिम शनिवार को अर्थ आवर मनाया जाता है। अर्थ आवर को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा शुरू किया गया था, जब ये शुरू किया गया था किसके द्वारा शुरू किया गया था, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये ठीक है, इसको इसके द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो इसका जो है ऑप्शन डी है, 1, 2, 3 जो कथन है वो तीनों जो है सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया है? ICC आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ठीक है, तो इन्होंने अपना नया एक CEO नियुक्त किया है। तो उन CEO का नाम आपको बताना है, जो 4 ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन है जहीर अब्बास, दूसरा है शशांक मनोहर, तीसरा है मनु साहनी, चौथा है डेविड रिचर्डसन। तो आपको जो है इसका ऑप्शन जो है सी, मनु साहनी, भारतीय मूल के, ठीक है, इनको जो है ICC का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO जो है नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन जो है 3 यानी सी, मनु साहनी, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, आप लोग इसको नोट करते रहिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज में आपको दी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ICC से ही है ये भी, क्वेश्चन नंबर 4 भी ICC से ही है। तो ICC जो टेस्ट चैंपियन को दी जाने वाली मेंस जो गदा होती है, गदा जो है किस टीम को दिया गया है, होता है कि ऑल ओवर रैंकिंग देखी जाती है कौन ज़्यादा रैंकिंग में है और किसने अच्छा टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, तो जो टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होती है उनको जो है टेस्ट चैंपियनशिप का जो गदा है वो ICC प्रदान करता है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है, पहला है भारत, दूसरा है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा है न्यूजीलैंड, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए पहला ऑप्शन है यानी अपनी इंडियन टीम को जो है ICC टेस्ट चैंपियनशिप के जो गदा होता है मेंस गदा वो दिया गया है, ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो टेस्ट चैंपियनशिप का जो मेंस गदा है वो दिया गया है भारतीय टीम को, ऑप्शन नंबर ए यानी भारत को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। हाल ही में संपन्न हुए इंडिया ओपन बैडमिंटन 2019 प्रतियोगिता के पुरुष एकल
किताब के उपविजेता कौन थे? पुरुष एकल जो किताब हुआ था उसके विजेता कौन थे 2019 इंडिया ओपन बैडमिंटन 2019। ये पहला आपके पास ऑप्शन है विक्टर एलेक्सलेन, और दूसरा ऑप्शन है किदांबी श्रीकांत, तीसरा है BCI प्रणीत, और चौथा है HS प्रणय। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है, बताना है कि आपको कौन सा इसमें जो है सही है। तो पांचवें का जो है किदांबी श्रीकांत आप जानते होंगे, श्रीकांत बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के, भारत के खिलाड़ी हैं। तो इनको जो है एकल किताब का उपविजेता, क्योंकि इसके जो विजेता थे वो दूसरे थे और इन जो है ये उपविजेता बने थे उसके, यानी रनर अप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अलंकृत करने का निर्णय लिया है? तो आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, दूसरा ऑप्शन है इसराइल, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस, चौथा ऑप्शन है दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात UAE, इन्होंने जो है अपने जो देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है इसको कहते हैं द ऑर्डर ऑफ जायद। ठीक है, इसका नोट कर लीजिएगा, जो पुरस्कार का नाम है द ऑर्डर ऑफ जायद, वहाँ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इन्होंने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देने का फैसला निर्णय लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, वर्ष 2018 का सरस्वती सम्मान, ये साहित्य में दिया जाता है, हिंदी वगैरह में साहित्य में दिया जाता है सरस्वती सम्मान, तो किसे दिया गया है सरस्वती सम्मान? तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 7 का पहला ऑप्शन है सितांशु यशचंद्र, दूसरा है मनोज दास, तीसरा है डॉक्टर के शिवा रेड्डी, चौथा है सुनील गंगोपाध्याय। ठीक है, तो पहला 7वां का जो है आपको सी ऑप्शन डॉक्टर के शिवा रेड्डी, इनको जो है ये मिला है, ये साउथ इंडियन। ठीक है, काव्य संग्रह इनका जो था वो क्या नाम था उसका, आप लोग बताइए, आप लोगों को पता होगा अगर तो बताइए, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, पक्की अंगोतिकिया उनका काव्य संग्रह का जो है नाम था। तो इसी काव्य संग्रह के लिए इनको जो है सरस्वती सम्मान 2018 पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 8वां है, प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में पृथ्वी दिवस अर्थ डे कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो आपके पास पहला ऑप्शन है 20 अप्रैल, दूसरा ऑप्शन है 21 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है 22 अप्रैल, चौथा ऑप्शन है 23 अप्रैल। तो देखिए इसका ऑप्शन सी यानी 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 2019 का जो पृथ्वी दिवस इस बार मनाया गया है उसका थीम क्या है? थीम इसका पूछता है क्वेश्चन, तो प्रोटेक्ट आवर स्पेसिस यानी अपनी प्रजाति की सुरक्षा करना। ठीक है, अपनी प्रजातियों की सुरक्षा करना, संतति जो होती है प्रजातियां अपनी उसकी सुरक्षा करना, प्रोटेक्ट आवर स्पेसिस, ये इस वर्ष का थीम है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2019 का जो पृथ्वी दिवस मनाया गया है उस वर्ष का 2019 का थीम क्या था? तो प्रोटेक्ट आवर स्पेसिस यानी अपनी संततियों की रक्षा करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 25 अप्रैल 2019 को मनाया गया विश्व मलेरिया दिवस। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन सेम आते हैं क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, इस टाइम जो है डेट वगैरह ना पूछ करके यही थीम ज़्यादातर पूछते हैं क्वेश्चन करंट से जो कि आते हैं। तो इस वर्ष का विश्व मलेरिया दिवस जो 2019 का मनाया गया अप्रैल में, उस वर्ष का थीम क्या था? तो थीम देखिए पूछ दिया इसमें क्वेश्चन में, तो आपके पास बताना है कौन सा थीम है। पहला ऑप्शन है रेडी टू बीट मलेरिया, दूसरा है जीरो मलेरिया स्टार्टअप्स विथ मी, और तीसरा है एड मलेरिया फॉर गुड, और चौथा है एपुस फॉर प्रिवेंशन। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन जो है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी, ये ऑप्शन जो है इसका सही है। ठीक है, इसका जो है मनाया गया। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी, ये इस वर्ष का थीम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन जो है आपका,
किस तिथि को पूरे विश्व में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दिवस मनाया जाता है? आपको बताइए, इसका ऑप्शन बताना है आपको ये कौन सा सही है। पहला है ऑप्शन है 25 अप्रैल, दूसरा ऑप्शन है 26 अप्रैल, तीसरा है 27 अप्रैल, चौथा है 28 अप्रैल। तो इसका देखिए ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी का मतलब हो गया 25 यानी 26 अप्रैल को जो है ये विश्व बौद्धिक संपदा दिवस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है। और 2019 का जो थीम था वो क्या था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी एंड स्पोर्ट से था, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी एंड स्पोर्ट, ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और इस जो ये जितने भी क्वेश्चन आपको सीरीज़ में कराया जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं करंट के, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा पूरी तरह से। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, लेकिन ज़्यादातर आप हूँ इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, जो भी मैं बता रहा हूँ उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ वो भी आप लोग नोट करते रहें, ताकि उन चीज़ों को जो है आपको क्लियर होता रहेगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, अब अगले वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बार मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।